जिस किसी व्यक्ति के संपर्क में आ रहा हूँ उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करूँ, तो मैं न्यायपूर्ण व्यवहार कैसे करूँगा? सीधे तो नहीं करूँगा ना। ये जो प्रोसेस हुआ ना कि मुझे न्यायपूर्ण व्यवहार, कोई मेरे घर में कोई मेहमान आए हैं, इनसे मेरे को चर्चा करनी है, तो अब मैं न्यायपूर्ण व्यवहार पूर्वक कैसे प्रस्तुत हूँ? तो मैं इसकी कोई योजना बनाऊँगा ना। उस योजना में मैं तीनों काम करूँगा, कुछ चित्रण होगा, कुछ विश्लेषण होगा और उसके कुछ फल परिणाम का अनुमान होगा। ये पूरा का पूरा योजना बनना, ये मनन हुआ। तो पठन हुआ, श्रवण हुआ, अर्थ तक पहुँचे, मनन हुआ कि मैं जीने के स्तर पे लाऊंगा तो कैसे लाऊंगा। अब जो कुछ मैंने मनन किया, अब मेरी योजना पूरी हुई, अब एक कदम आगे जाऊंगा। हाँ, ऐसे ही करना है मेरे को, वो अभ्यास करूंगा। तो व्यवहार का अभ्यास, कर्म का अभ्यास। तो व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास, इसके साथ साथ चिंतन चलता रहेगा ना, वो छूटना नहीं है। ये जो चिंतन अभ्यास है एक्चुअली यही तो पठन श्रवण मनन, आगे नहीं ध्यासन है, पठन है, श्रवण है, मनन है। ये जो कड़ी है कि पूरी की पूरी विषय वस्तु समझने की वस्तु, ये तीन ज्ञान, इसकी सूचना पूरी हो जाए, पूरी होकर इसके अर्थ को ग्रहण कर लूँ। अब अगर कोई पूछता है, कोई प्रश्न उठता है, हाँ भैया क्रियाशीलता क्या है, श्रमगति परिणाम क्या है, तो मेरे को स्पष्ट है कि सब तक स्पष्ट है कि मैं शब्द के माध्यम से आपको स्पष्ट करा सकूँ। इतना अब तक स्पष्ट अभी अनुभव नहीं हुआ, बट जो सूचना मिली है, इस सूचना के आधार पर इस सूचना को दूसरों तक पहुँचा सकता हूँ, तो मुझे अर्थ स्पष्ट है, इसलिए समझा पा रहा हूँ। ऐसा होता है ना, ये हो जाए तो स्टेप थ्री अभ्यास। अभ्यास में आपको पठन पूरा हो गया, सूचना पूरी हो गई, अब मनन पूर्वक अभ्यास प्रारंभ हो गया। मनन पूर्वक अभ्यास होता है तो जो सूचना मिली और जो मैंने योजना बनाई मनन के आधार पे, और उसको मैंने अभ्यास पूर्वक करके देखा, और उस अभ्यास का वही परिणाम आ रहा है जो मैंने कल्पना की थी, जो मेरी कल्पना में था, अब ये परिणाम मैच कर गया तो क्या हुआ कि हाँ, जो सूचना दी गई है वो सही सही है, इस सूचना का अर्थ जो दिया गया वो मेरी समझ में आ गया है। इस अर्थ के आधार पे अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका साक्षात्कार हो रहा है, अभ्यास चल रहा है ना, अभ्यास पूर्वक साक्षात्कार है। ये जो अभ्यास पूर्वक साक्षात्कार हो रहा है और निरंतर आपका अनुमान पुष्ट होता जा रहा है, उसी को कहा परिपुष्ट अनुमान, आगे चल के शब्द पढ़ने को मिलेगा। तो जो अनुमान पुष्ट होता जाता है तो साक्षात्कार की वस्तु उतनी खुलते जाती है। इसको दूसरे ढंग से देखें कि कोई धुंध है कांच के भीतर, कांच पे, और धीरे धीरे धुंध साफ हो रही है। तो ये जो अभ्यास पूर्वक अज्ञानता की धुंध बनी वो हटती जा रही है, तो अब वो कोई वस्तु उस पार है, समझने की वस्तु, उसका दिखना स्पष्ट हो रहा है, उसको कहा प्रतीति की स्थिति। तो भास, आभास, प्रतीति। तो साक्षात्कार पूर्वक अब आप एक कदम आगे गए प्रतीति की ओर, आभास से ऊपर उठे प्रतीति की ओर। प्रतीति क्या है? जैसा सूचना दिया गया दर्शन में अब वैसा ही है, ये प्रतीत होने लगा। तो साक्षात्कार पूर्वक जो सूचना दी गई पहले ऑथेंटिकेट हुई, आपकी स्वीकृति में आया, जो स्वीकृत हुआ, अब ये जो कुछ भी आपको स्वीकृत हुआ तो जो सूत्र के रूप में आपको बताया गया उसकी प्रतीति होने लगी। ये जो प्रतीति होने लगी यही प्रतीति अवधारणा की स्थिति है। तो जो धारणा मध्यस्थ दर्शन की ओर से नागराज जी ने प्रस्तुत किया वो उनकी धारणा थी, वो धारणा आप तक पहुंची अवधारणा के रूप में। इस अवधारणा को आपने अब एक एक करके अवधारणा उसकी पुष्ट होती जा रही है, अनुमान पुष्ट होता जा रहा है। तो मूल में क्या हो रहा है? अभ्यास पूर्वक साक्षात्कार, साक्षात्कार पूर्वक अवधारणा, अवधारणा बोध होना, अवधारणा का पूरा होना, अवधारणा बोध होना, और अवधारणा पूरी होती है
कि ये यही है उसकी अनुभूति। तो अगर आप देखेंगे ये तो प्रोसेस है। अब इसमें मैं अपने आप को कैसे पहचानूं, मैं कहाँ पर हूँ, साक्षात्कार की स्थिति में आया कि अवधारणा की स्थिति में आया, ये कैसे पता चले? तो इसकी सीधे सीधे पहचान है, ये तीन बातें हैं। अन्याय रहित, यानी दयापूर्ण कार्यव्यवहार से शिफ्ट होते हैं आप, अन्याय तो अन्याय को दूर किया, न्याय पे आए, तो अन्याय रहित कर्म, अपराध रहित कर्म, अपराध अन्याय आसक्ति रहित इच्छाएं, तो ये आपके लिए उस चेक पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं आपके, जिसमें आप बार बार अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा कार्य व्यवहार किसी भी तरह से पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा पूर्वक है क्या। ये पर पीड़ा, दूसरों को दर देना, इससे हटते तो दयापूर्ण व्यवहार कार्य है ना, तो पर पीड़ा विधि से मैं मुक्त हो रहा हूँ क्या, अभी मेरे व्यवहार में किसी को कष्ट देना है क्या, अब ये मैं देख सकता हूँ ना, जांच सकता हूँ। तो ऐसे आप बार बार पर पीड़ा, पर धन, पर नारी, इससे ऊपर उठते हैं क्या। दूसरे शब्दों में आप जो आपके भीतर विचार चल रहा है, इन विचारों में इस तरह के कुछ हैं क्या, चित्रण होके रखा है क्या, इन विचारों में कोई विरोध है क्या। और ऐसे जब जब मैं अपने आप को देखता जाता हूँ तो स्टेज वन जो है स्थूल का होगा कि मैं पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा से मुक्त होऊंगा अभ्यास पूर्वक, लेकिन मेरे भीतर चलता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि मैं क्लेम कर दूं आज से मैं पर पीड़ा मुक्त हो गया, क्योंकि मेरे भीतर तो आएगा, कोई सामने वाला व्यक्ति आया उसके प्रति असम्मान का भाव आएगा ही आएगा। तो ये जो अंदर में चल रहा है यही विचार की मुक्ति, तो प्रोसेस है, ये समय लगेगा। लेकिन मैं अगेन इस बात को कह रहा हूँ, कितना समय, एक दूसरा फार्मूला है भैया, बाबा जी को अस्तित्व दर्शन बोध होना, अस्तित्व दर्शन होना, जीवन ज्ञान होना, इसमें 20 से 25 वर्ष लगे हैं। 1950 से शुरू हुए और 1972 तक भी आते थे, पूरा हो गया ना उनका 20 वर्ष। वो साधना विधि थी, तो उन्होंने अनुसंधान किया, अनुसंधान में नेचुरली समय सबसे ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि किसी चीज़ का फ्रेम ही नहीं था, वो रेंडम था। अब उससे हमको आपको ये अनुसंधान लिखित रूप में मिल गया ना, तो वो जो 22 वर्षों की पूरी चीज़ है वस्तु के रूप में हमको अभी मिल गई, तो 22 वर्ष हमको तो नहीं लगेगा। पहली बात, प्राथमिकता उनकी तो बहुत पहले से बनी थी, हमारी जिस दिन प्राथमिकता बन जाए, इसी बात को बाबूजी बोलते रहे, प्राथमिकता बन जाए, सूचना मेरे को पूरा ग्रहण करना है, अभ्यास पूर्वक मुझे जीना है, जागृत होना है, तो मैं बाबूजी की शब्दों की बोलूँगा 3 वर्ष। उन्होंने कभी किसी स्थिति में कहा कि जिस दिन आपकी प्राथमिकता बन जाए उससे 3 वर्ष का समय लगेगा। मैं इसको और दूसरे ढंग से देखता हूँ, ये जो 3 वर्ष का समय, हो सकता है 5 या 10 वर्ष भी हो, कोई चीज़ कमी हो सकती है अपने में, लेकिन अनुभव जब भी होना है वो इतना फास्ट होना है। इसलिए बाबा जी बोलते रहे, जैसे ही साक्षात्कार पूरा होगा बेटा, बोध होगा, अनुभव होगा, वो यही भाषा रही उनकी, साक्षात्कार पूरा होता है, बोध होता है, अनुभव होता है। तो बोध अनुभव एक साथ है, अलग अलग नहीं है बोध। अच्छा, बाबा जी हमेशा बोलते रहे बोध होते ही अनुभव होता है, अब हम उसको तार तार करते रहे, काफ़ी तार तार किए, बट तब उन्होंने कहा कि देखो सारा पुरुषार्थ साक्षात्कार तक है, ये जितना भी हमारा अभ्यास प्रयास है पुरुषार्थ, उसको शब्द दे दिया, तो सारा पुरुषार्थ साक्षात्कार तक है। अब ये साक्षात्कार क्या है, हमारा जो बहुत गलत सत करने का अभ्यास है उससे मुक्ति। मैं बोलता हूँ आपसे, कल्पनाशीलता ही है, अगर आज रात को पूरे संकल्प के साथ हमने तय कर लिया कल से ऐसा नहीं करना है, तो जिसकी जितनी स्ट्रांग विल पावर रहेगा उतनी प्राथमिकता के साथ चल सकता है ना। तो समय से बांधा नहीं जा सकता, किसकी कैसी तैयारी है, पूर्व संस्कार है हमारे, तो पूर्व संस्कार का वातावरण का अध्ययन कर, इन तीनों का संयुक्त प्रभाव है ना,
इन तीनों के संयुक्त प्रभाव से हमारी क्षमता, पात्रता, योग्यता विकसित होना है। तो ये पूरी पूरी संभावना है, ये इतना कठिन नहीं है, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। आज अपने स्तर पे हमारे से बहुत सारे साथी बोल सकते हैं कि हम पहले से बहुत आराम में हैं, इसका आशय बिल्कुल नहीं कि हम कोई बोध और अनुभव किसी में पहुँच गए, लेकिन कम से कम ये जो अनावश्यक विचार आते हैं, विरोध का भाव रहता है, किसी को दर्द देने का भाव रहता है, वो देख पाना भी बड़ा काम है, वो दिखता भी नहीं, लेकिन हम इसमें तो काफ़ी स्थूल इधर काफ़ी ठीक ठाक किसी में आ चुके हैं ना, और हमको तो काफ़ी आराम है ना। सबसे आराम तो ये है ना कि श्रम नहीं लगता सोचने विचारने में, नहीं तो आदमी थक जाता है ना, सोचे सर भारी हो जाता है। तो लक्षण अच्छे हैं, अभ्यास अध्ययन पूर्वक करते हैं तो बिल्कुल ही संभावना दिखती है और काफ़ी अच्छी स्थिति हो चुकी है। तो इसको इस ढंग से बिल्कुल ना लिया जाए कि नहीं हो पाएगा। 6 महीने का समय अच्छा समय आप लोग के लिए। तो अपनी बात की मैं पूरी करता हूँ, 12 बज रहे हैं, आप लोग इन 10 दिनों में जो कुछ आपको नई सूचना के रूप में मिला है उसको करेंगे। और अगेन वही रिक्वेस्ट है, व्यक्तिवादिता से ऊपर हटकर शुद्ध रूप से दर्शन की बात करेंगे। सभी को नमस्कार। वैसे तो भैया आपने पूरे पॉइंट्स तो लिख ही दिए हैं, और यही अध्ययन का वस्तु है। तो पहले तो सबसे पहली बात जो है, विकल्प जो है, इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान गया कि ये एकमात्र विकल्प है, जागृति ही एकमात्र विकल्प है जिससे मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण में आना ही पड़ेगा आदमी को, तभी जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन की आवश्यकता है, सभी चीज़ों को संतुलित होने के लिए और चारों अवस्थाओं को सहअस्तित्व पूर्वक जीने के लिए। अभी तक परंपरा में जो सूचना था वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए जीवन का मतलब मानव का ठीक तरीके से अध्ययन नहीं हो पाया। जो अब सहअस्तित्ववाद मध्यस्थ दर्शन से पूरा होने की स्थिति हमको दिखती है, इसमें ज्ञान वाला जो पक्ष है उसमें 3 तरह के ज्ञान हमको समझ में आए। पहले तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। अस्तित्व दर्शन ज्ञान में अस्तित्व में व्यापक, व्यापक में संपर्क जड़ चेतन इकाइयां हैं, जड़ इकाइयों में ही संगठन विघटन उसका स्वभाव है, उसी से पदार्थावस्था की सारी इकाइयाँ मतलब जो भी मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु है, ये मतलब ये अणु बंधन और यौगिक बंधन, यौगिक बनने की प्रक्रिया हुई और पदार्थावस्था पूरी तृप्त होने के बाद में प्राणावस्था का प्रकटन हुआ, उसके बाद में जीवावस्था का प्रकटन हुआ और फिर ज्ञानावस्था आई। इसमें विकास क्रम को हमने देखा और जड़ परमाणु ही विकसित होकर के चैतन्य परमाणु बना, यही विकास है। अब विकास पूर्वक जो चैतन्य परमाणु बना है वही जीवन है, जिसको हम जीवन बोल रहे हैं। जीवन ज्ञान में इस जीवन का हम देख पा रहे हैं कि जो क्रियाएं इसमें चल रही हैं उसमें 4.5 क्रिया में जीता हुआ आदमी जीव चेतना में ही जी रहा है,
और 10 क्रियाओं का पूरा होना उसका मानवीय चेतना में शिफ्टिंग होना है। तो तुलन की जो दृष्टि हमारी है, जो प्रीहित लाभ की है, उसकी न्याय धर्म सत्य में शिफ्टिंग होनी है। हमारी तुलन की दृष्टि न्याय की हो जाए और मूल्य मूलक आस्वादन होने लगे और लक्ष्य मूलक आस्वादन होने लगे, इस तरह की सूचना भी हमें मिली। यही क्रिया पूर्णता होगी, उसके बाद में आचरण पूर्णता होगी। तो जागृत मानव जो है, क्योंकि सह अस्तित्व में है और व्यवस्था एक बननी है, उसी व्यवस्था में ही आदमी जो है, जागृत मानव जो है, वो आचरण पूर्णता को कर पाएगा। तो हमने यहीं पे पद देखे कि ये जो जीव अवस्था तक है, मतलब जीव चेतना में जीता हुआ आदमी है, वो भ्रांति पद पे है, वो देव मानव पद में जाएगा और आचरण पूर्णता होने के बाद में देव मानव होगा। मतलब वो फैलाव का है, बाकी मानव मानव से देव मानव और देव मानव होना है उसको। ये यहाँ तक ध्यान गया हमारा। और उसके बाद में हमने 10 सोपानी व्यवस्था देखी। व्यवस्था में जो भागीदारी है वही आदमी का काम है, मानव का काम है। मानवीयतापूर्ण आचरण वहाँ पे दिखेगा। ये कार्यक्रम जो है वो शिक्षा संस्कार पूर्वक होगा। इसी में हमने लास्ट में जो है शिक्षा नीति के बारे में भी देखा और किस तरह से ये कंप्लीट होगा उसका पूरा एक बर्ड व्यू आया है कि टोटल कंटेंट, अध्ययन की वस्तु क्या है एक्चुअली। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट मेरे को समझ में आता भैया, यही है। ये विकल्प अध्ययन बिंदु किताब जो हम पढ़े पिछले 10-11 दिनों में, उसमें भैया लगभग पॉइंट्स पे हमको सूचना मिली कि अध्ययन में क्या क्या हमको डीप में जाने को मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले तो बाबा जी ने विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है, उसमें जो पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले यही समझ में आया है कि रास्ता तो एकमात्र यही है। रास्ता कहने का मतलब ये है कि समझदारी, विकल्प मतलब समझ जाना, सारी जो जैसा है वो हमको सही सही समझ में आ जाए, यही विकल्प है। इसके बाकी सब जो है वो भ्रम है और भ्रमवश ही इतने समय से हम लोग और मानव जाति वो अव्यवस्था को बढ़ाते जा रही है। और विकल्प के बाद अध्ययन के बिंदुओं पे जो आए उसमें पहला व्यापक वस्तु में मतलब स अस्तित्व को समझना है। तो व्यापक वस्तु में बहुत सारी सूचना तो पहले भी थी, लेकिन अभी जो मेन क्लैरिटी बनी कि एक बात होती थी कि समझना होल टू पार्ट होता है, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि भाई होल को कैसे समझेगा आदमी। होल को समझना तो पॉसिबल नहीं है, सभी चीज़ों को समझ लेना पॉसिबल नहीं है, अपनी क्षमता में नहीं है ऐसा थोड़ा सा। लेकिन अब ये होल टू पार्ट में ये समझ में आया कि आप किसी भी वस्तु को समझने जा रहे हो तो आपको उसके साथ में सब कुछ, सारे उसके मतलब उसको पूर्णता में देखना पड़ेगा। कि क्योंकि व्यापक जो है वो अखंड है, मतलब उसको खंडित करके नहीं देखा जा सकता। तो सह अस्तित्व जो है वो व्यापक में है और व्यापक के साथ है, व्यापक से है। तो जो भी हमको समझना है वो संपूर्ण रूप से समझना है। कि ऐसी कोई सोच रखेंगे कि नहीं अपने काम का है, अपने को व्यवहार रूपी चीज़ को समझना है तो वही समझेंगे, बाकी तो सब अपने सब
काम का नहीं है तो वो वैसे में बात बनेगी नहीं। तो वो वहाँ पे एकदम क्लियर हुआ कि होल टू पार्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सारे एंगल से जब हम नहीं देखेंगे, सारे सब कुछ जुड़ा हुआ है, व्यापक वस्तु में है, से है और डूबा भीगा घिरा है, तो सारा प्रभाव एक दूसरे पे है ही है, तो उसके बिना समझना हो नहीं पाएगा। तो व्यापक में ये मेन मेरे को खुला इससे, और समझना कैसे है ये भी एक पॉइंट मेरे को समझ में आया। फिर जीवन ज्ञान समझना है तो स्वयं को समझना है और को समझ जाऊंगा, और यही मेरे अंदर की पीड़ा है कि मैं अपने को समझा नहीं हूँ और दूसरों को समझने समझाने और इसी में लगा हुआ हूँ, तो ये हो नहीं पाएगा जब तक कि मैं सबको एक समानता के रूप में समझ नहीं लेता, क्योंकि जीवन सब में समान है। तो जीवन ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आई मानवीयतापूर्ण आचरण की बात, तो जब ये दो ज्ञान लगभग हमको समझ में आ जाएंगे तो मानवीयतापूर्ण आचरण में हमको अभ्यास के रूप में उसको आगे, मतलब सूचना जब आ जाएगी तो उसके बाद अभ्यास के रूप में हमको स्थापित करना पड़ेगा। तो अभ्यास जो है वो परिवार में ही होगा। परिवार कहें तो परिवार के बहुत सारे स्वरूप बताए हैं बाबा जी ने, तो अपन परिवार को बहुत छोटे स्वरूप में देखते हैं, तो जैसे दसों पानी व्यवस्था में भी खुला था कि सारा परिवार ही है, तो परिवार में ही हमको उसको अभ्यास करना है और धीरे धीरे उसमें क्लैरिटी को बढ़ाते जाना है। मानवीयतापूर्ण आचरण में मेन मूल्यों की बात आई कि मूल्य का निर्वाह करना ही आचरण है, जो सभी को सही समझ लेना और उसके बाद जिसका जो मूल्य है उस वैसा उसके साथ निर्वाह करना। तो मूल्यों में बहुत सारे मूल्य समझे अपन ने, जो जीवन मूल्य, मानव मूल्य और स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और वो उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य, जो ऐसा करके 30 मूल्यों की बात हुई थी। और ये पूरे मूल्य निर्वाह से हमारा व्यवहार जो है मानव से मानव का और मानव से प्रकृति का जो कार्य हम करते हैं वो सब व्यवस्था में हो जाएगा, और सारा जो प्रयास है वो व्यवस्था में होने के लिए ही है। और आगे फिर इसमें हमने व्यवस्था कैसी रहेगी उसका स्वरूप की एक झलक देखी कि व्यवस्था जो है बाबा जी ने बताया कि 10 सोपानीय विधि से रहेगी, जो जिसमें अलग अलग प्रथम से लेकर दसम सोपान तक का कैसा कैसा रहेगा, डिवीज़न रहेगा और उसमें किस किस प्रकार से, उसका एक ओवरव्यू हमने देखा था। और ये सारी व्यवस्था जो आना है ये लगभग शिक्षा संस्कार से ही आना है। शिक्षा और संस्कार में जब ये सूचनाएं सही सही पहुंचेंगी तो जो अभी हमको ताकत ज़्यादा लगती है क्योंकि पुराना जो मान्यता है उसको हटाना और उसको उससे हटा के देखना थोड़ा सा संभव हो नहीं पाता है, मतलब मान्यता बीच में आके टकराती है बीच में। तो शिक्षा के रूप में जब ये आगे बढ़ेगा और मान्यताएं जब गलत नहीं रहेंगी और सही सही सूचना ही ग्रहण होगी, सही सही सूचना ही दी जाएगी, तो ये थोड़ा फास्ट स्थिति में पहुँचेगा।
और शिक्षा संस्कार से आगे का जो कार्यक्रम है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, वो उसी से पूरा हो पाएगा कि अखंड समाज मतलब सभी को बराबर जब शिक्षा मिलेगी, बराबर सभी को व्यवस्था मिलेगी, तभी ये आगे संभव हो पाएगा, समझ पूर्वक ही संभव हो पाएगा। ये लगभग मेरे को इस किताब में सूचनाएं मिली और बहुत सारी सूचनाएं पुष्ट हुई है और पढ़ने का पठन का मन आगे और बढ़ गया है। तो भैया, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं जिस मानसिकता से यहाँ आई थी, मैं क्या बहुत छोटा कटोरा लेके आई थी, इस बुक को पढ़ने के बाद समझ में आया कि मुझे मिलने वाला बहुत बड़ी चीज़ है करके। बहुत लिमिट सोच थी कि व्यवहार में ही ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा करके, एक दिमाग में मेरी मानसिकता थी। इस बुक को पढ़ते पढ़ते और कंप्लीट करते करते ये समझ में आया कि बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है और उसका एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं अभी कम है, मतलब उतना उस लेवल में नहीं पहुंची हूँ। तो अब वो मन को वैसे बनाना है और जो चीज़ मिल रही है वो क्या, जो भैया बोलते थे होल टू पार्ट, मतलब वो सब जो परिचय शिविर में हुआ, अध्ययन बिंदु शिविर हुए, बहुत अच्छे, लेकिन उसमें टुकड़ों टुकड़ों में जानकारी मिलती थी। इसमें पूरा एक साथ जो बाबा जी ने ये पहली बुक बोली है, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसे लोगों के लिए है जो कुछ छोटा सा सोच के आए थे कि इतना समझेंगे तो अपनी लाइफ अच्छी चल जाएगी और हो जाएगा, तो अब पता चल रहा है नहीं, बहुत कुछ है जानने के लिए और समझने के लिए। और जो अस्तित्व सह अस्तित्व या मैं हूँ, तो मैं अलग नहीं हूँ, मैं सबके साथ ही हूँ, ये थोड़ा और गहरे पे बैठा। नहीं तो अपने आप को अपन अलग ही देखते, घर में है, मोहल्ला ठीक हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोहल्ले से ऊपर तो मेरे को लगता नहीं कि परिवार और मोहल्ला बहुत हो गया, उतना ही लगता था। अब समझ में आ रहा है नहीं, ज़रूरत तो बहुत बड़ी है, और ऐसा लगता था इतने समय तक कि कोई और करेगा, हमको क्या ज़रूरत है, मतलब। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा तो बैठा नहीं है, भैया भी बोलना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है नहीं, ये मेरी ज़रूरत है और इसमें मेरी भागीदारी होनी है, करनी ही है मुझे, ये बैठ रहा है। और जिस हिसाब से भैया आपने समझाया, बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपने बताया, पूरा अस्तित्व दर्शन, जीवन दर्शन, और उसके बाद उसको मानवतापूर्ण आचरण कैसे, मतलब ये जो तीनों ज्ञान, मतलब तीनों दर्शन है, उसको छोटा छोटा जिस हिसाब से बुक के हिसाब से आपने बहुत अच्छे से उस चीज़ को रखा, काफ़ी कुछ समझ आया कि जिसमें नहीं समझने वाली, ऐसा मतलब जो है वो मतलब पहुँचा है उसके अर्थ तक, कई शब्दों के अर्थ तक अभी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन प्रयास पूरा है पहुँचने का। वास्तविकता में तो अभी टाइम लगेगा देखने में। और जो एक चीज़ और समझ में आई कि अभी जो मुझे एक दिन चल रहा था, उसमें ये समझ में आया कि लक्ष्य में कहाँ गड़बड़ी करते हैं हम। जब एज अ हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो हमारा लक्ष्य एक नहीं होता, तो वहाँ पे बहुत विरोध हो जाता है एक दूसरे का। तो अभी प्रैक्टिस, एज अ प्रैक्टिस में मुझे समझ आया कि फ़िलहाल जो समझ आ रहा है, छोटा छोटा लक्ष्य व्यवहार को लेके या कोई भी चीज़ को लेके, वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा दिमाग में बैठा कि लक्ष्य एक होना चाहिए फ़िलहाल में, फिर वो बड़ा लक्ष्य में जाएंगे, अभी तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है करके। और बाकी तो भैया फिर वो मैं पूरा बताऊंगी तो टाइम बहुत हो जाएगा, इतना ही भैया। भैया जी, सबसे पहले तो मैं इसको समझ जाऊं, फिर सामने वाले को समझाऊं, ऐसा है। पहले मेरे में मतलब समझ नहीं है कि इसको मैं पूरे अच्छे ढंग से मतलब व्यक्त कर पाऊं, तो ये सब पठन से ही संभव हो सकता है, और इसके बाद फिर सामने वाले को भी अपने में पहले इसको आचरण में लाऊं, उसके बाद फिर सामने वाले को आचरण में मतलब उसको ढालूं, इस टाइप का है मेरा विचार। तो पठन से हमें
इस पुस्तक से मतलब पता चला भैया जी कि हमने जाना इस पुस्तक में कि सह अस्तित्व में मतलब जड़ और चेतन जो है व्याप्त है, तो इसी जड़ और चेतन, तो जड़ को एक मूल ऊर्जा माना गया है जो क्रियाशील है, तो इसलिए इसको मूल ऊर्जा के रूप में रखा गया है। और जो ज्ञान है, तो ज्ञान है तो उसको ऊर्जा से ही मतलब मिलता है। अभी मैं ठीक से बता नहीं पा रही हूँ भैया जी, तो ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आया भैया जी, मतलब क्या बोलते हैं संपीक्तता वाले, तो इसमें हम वस्तुओं का आस्वादन करते हैं मन से, मतलब वस्तुओं का आस्वादन करते हैं और वस्तु का चयन, फिर आस्वादन के बाद हम चयन करते हैं, तो किस चीज़ का चयन करना है, क्या करना है, ये सब हम उसमें देखते हैं। चयन के बाद फिर हम विश्लेषण में गए, विश्लेषण में मतलब उसका एक सत्यता का बोध हुआ, विश्लेषण में हमें किसी भी वस्तु का मतलब सत्यता का बोध हुआ, तो बोध होने के बाद फिर हम उसमें तुलन में जाते हैं जो कि प्रिय हित लाभ की दृष्टि से होता है, तो प्रिय हित लाभ की दृष्टि से देखें तो उसमें क्या अच्छा है, क्या कैसा है, उसको मतलब तुलन करते हैं, उसके माध्यम से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर चित्त में आता है, वो जो तुलन किया तो चित्त में आता है, चित्रण होता है उसका, तो चित्रण में सभी चीज़ का मतलब गुण है, रूप है, ये सब चीज़ है, परिणाम तक पहुँचते हैं उसका, कैसा क्या करना है, तो यही चित्रण जो है एक मान्यता है, मतलब चित्रण को ही मान्यता कहा जाए, और सभी जितने भी मानव हैं वो क्रिया करते हैं तो वो सब आशा विचार और इच्छा के माध्यम से ही मतलब करते हैं, ऐसा मेरा समझ है भैया जी, आगे प्रयास रहेगा भैया जी। अब ठीक है, नमस्ते सभी को। सबसे पहले एक कृतज्ञता बाबा जी के प्रति, इतना सुंदर बिंदु सिंधु डिज़ाइन जैसे बोल सकते हैं, और काफ़ी कुछ जो परिचय शिविर में जो बहुत सारे डाउट्स थे वो बहुत क्लियर हुए। सबसे पहले तो समृद्धि की डेफिनेशन ही मेरे को बहुत अच्छे से समझ आई, अभी तक मैं काफ़ी अच्छी भैया से चर्चा भी हुई थी, समृद्धि को मैं ऐसे बहुत अलग पैमाने में भी देख रही थी, अब ये क्लियर हुआ कि समृद्धि मतलब आवश्यकता से जब अधिक होगा तो मैं अभी शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं समाज में कुछ भागीदारी भी दे पाऊँगी, तो ये बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ये समझ आया भी, अभी तक जैसे परंपरावादी से जुड़े हुए थे, बहुत सारी चीज़ें रहस्य थी, तो ये समझ अभी आप अभी तक अपने आप को शरीर मान के ही बैठ रहे थे, मतलब सामने वालों को जीवन के लेवल पे देख ही नहीं पा रही थी, तो जब जीवन के लेवल पे देख ही नहीं रही थी तो मूल्यों का निर्वाह कर ही नहीं रही थी, अपने आप को श्रेष्ठ ही समझ रही थी। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के लिए जब जैसे जैसे घर जाती थी, मैं देखती थी बच्चे के साथ अच्छे से मूल्य निर्वाह कर सकूँ, पति पत्नी संबंध में भी बहुत सुधार आया। पहले मेरे को बिल्कुल स्वीकार नहीं होता था, जैसे अगर दो पेशेंट आ जाए तो मैं मतलब मैं ही उसका ट्रीटमेंट करूँगी, मतलब ऐसा दिमाग में रहता था, मतलब मेरे को असिस्टेंट बनने का मन ही नहीं होता था, मतलब ये था। लेकिन यहाँ से ये समझ आया कि अगर मैं उनको भी जीवन के रूप में देख रही हूँ श्रीमान जी को, तो अगर जैसे असिस्टेंट नहीं भी आई है तो मैं भी तो बन सकती हूँ, मतलब हमको एक दूसरे के पूरक होकर काम करना है, तो जो श्रेष्ठता वाली जो चीज़ थी वो काफ़ी कुछ डिजॉल्व हुई। और सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि जो अखंड समाज का जो डिज़ाइन इसमें बना है, मतलब अभी तक खंडित में रहने की आदत थी ना भैया, अपने आप को अलग देखना, उसको अलग देखना, लेकिन जब वो ये जो डिज़ाइन में जो सार्वभौम व्यवस्था, मतलब सभी एंगल से आप देख के, जो मानव ही एक ऐसी काई है जो मतलब ज्ञान संपन्न रह सकती है, तो सभी एंगल से देखने की ये समझ आए कि भैया अपन इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन शिक्षा के रूप में कर सकते हैं, है ना। तो शिक्षा में जो मतलब जैसे शिष्टमंडल और जो वस्तु प्रणाली देखें, और जो मानव चेतना से जो जीव चेतना से जो मानव चेतना में आने से, तो ये चीज़ समझ आई भैया कि मतलब जो ये पूरा का पूरा दर्शन जो है स्वयं पे काम करने का है, खुद की ही ज़रूरत है और खुद को ही सुधारना है, तो बहुत ही बढ़िया नाम ही इतना सुंदर रखा है, विकल्प ना ये ना वो, बस यही करना है, तो बहुत ही सुंदर लगा भैया। जागृति की ओर पूरा अपना मन लगाना है, और पठन में भी बहुत अच्छे से जितना हो पाए पूरा मन लगाना है, टाइम को पूरा यूज़ करना है, और पूरी अपनी अच्छे से चेष्टा रखना है, यही मेरी आकांक्षा भी है। सभी को नमस्ते भैया, आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने शिविर बहुत अच्छे ढंग से लिया, और मुझे इस शिविर से चैतन्य प्रकृति को और थोड़ा गहराई से समझने को मिला, तो जिसमें जो प्राण जो ये अवस्था है जीव अवस्था और
ज्ञान अवस्था है, और उसमें जो गठनशीलता, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, तीनों को मैं थोड़ा और गहराई से समझ पा रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे गठन पूर्णता में आपने बोला कि जीवन परमाणु के बारे में बोला, उसमें जो क्रियाओं के बारे में बोला, और जो सामान्य मनुष्य है उसमें से 4.5 क्रिया जो एक्टिव है उसमें से भी हम लोग रुचिमूलक प्रिय के भाव से ही चल रहे हैं, उसी से हम लोग ड्राइव हो रहे हैं अपने आप को। तो इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ में आया। और उसके अलावा जो क्रिया पूर्णता, उसी में ही क्रिया पूर्णता है जो आपने 10 क्रिया के बारे में बोला, और उसके अलावा जो आचरण पूर्णता है उसमें आपने मूल्यों के बारे में भी थोड़ा अच्छे से समझाया। और जो सर्वप्रथम मूल्य जो है, जो जीवन मूल्य है, उसी से ही सारे दूसरे मूल्य कनेक्टेड है। तो जीवन को ही पहले समझना, वो ही सबसे बड़ा आवश्यक है, और उसी से ही जागृति हो सकता है। और व्यापक के बारे में भी बहुत अच्छे से और समझने को मिला। जैसे व्यापक ही ऊर्जा है, वो कन्फ्यूज़न था कि व्यापक क्या है पहले, कि उसको निरपेक्ष ऊर्जा बोलते थे और एक इकाई को सात्विक ऊर्जा बोलते थे, लेकिन इसमें समझ गए व्यापक ही ऊर्जा है, और व्यापक में ही डूबा रहना और घिरा रहना, और डूबा घिरा और भीगा रहना, तीनों से ही इकाई जो उसमें वही आता है, इकाई रहता है। तो उसको भी अच्छे से समझ में आया, और लेकिन अभी आगे और समझना भी चाहने को, वही और अध्ययन करके और अच्छे से और गहराई से जाने को समझना चाहने को भी मन कर रहा है और आगे। तो ये चीज़ें सभी को नमस्कार। जागृति ही एकमात्र विकल्प है, ये फर्स्ट लाइन है। तो दो तरीके का देखे थे वाद में हम लोगों ने पहले, एक तो ईश्वर चिंतन वाला, जिसमें कहीं ना कहीं अतृप्ति का भाव बना ही रहता था, कि जैसे हम लोगों ने ईश्वरवाद चिंतन में कभी वो संस्था, कभी वो संस्था, कभी वो संस्था, इस तरीके के जाते थे, लेकिन फिर भी अपने को कहीं ना कहीं अधूरापन लगता ही था, उत्तर मिल नहीं पाता था, हमको असंतुष्टि का भाव बना ही रहता था। तो इस तलाश में कि कहाँ हमारा उत्तर मिल पाए, कभी कभी हम ऐसा सोचते थे कि मेरा प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे पाएगा, ऐसा लगता था। मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मेरे पास में प्रश्नों का भंडार है और उत्तर कोई नहीं दे पाएगा, ऐसा महसूस होता है। तो अब इस विद्या से जुड़े, वही तलाश में आते आते यहाँ जब जुड़े, तो इसमें ऐसे लगा कि इसमें 2-3 पैमाना बताया गया जांचने के लिए, इस तरीके का जब बात बताया और सत्य को बताया, समझने की जो वस्तु बताया, जैसा है वैसा उसको जानना है, मानना है, पहचानना है, इस तरीके की जो बातें बताई और सत्य को, हमको इसमें ये बात का स्पष्टता आया कि जो तीनों काल में एक सा दिखता है वो सत्य है। तो इस तरीके का इसमें क्लियरिटी हुआ। तो इसमें जब अस्तित्व दर्शन, अस्तित्व ऐसे बोलते थे, तो अस्तित्व दर्शन में जब देखने गए तो इस वांग्मय के, इस विद्या के आधार पर हमको दो चीज़ दिखा, एक व्यापक और दूसरा है इकाई। इकाई में जो ऊर्जा है वो व्यापक सत्ता चेतना इसके कारण से हमेशा बना हुआ है उसमें, क्योंकि इकाई जो है सत्ता व्यापक होने के कारण से प्रत्येक इकाई संपृक्त है। संपृक्त मतलब सत्ता में डूबा है, भीगा है, घिरा है, और ऊर्जा में घिरे भीगे डूबे रहने के कारण से ये जो है नियंत्रित भी है, ये जो है क्रियाशील भी है और ऊर्जामय है। तो इसमें जो क्रियाशीलता है, इस क्रियाशीलता के कारण से ही जो इकाई जो है
विकास के क्रम में जाता है और विकास क्रम में जाके विकसित होता है, और विकसित होने का परिणाम ये आता है कि कोई कोई जो परमाणु है, कोई कोई जो परमाणु है वो गठनपूर्ण परमाणु में आ जाता है। इस दर्शन के माध्यम से हमको ये पता चला। तो वो जो इकाई का फिर जो गठनपूर्ण पूर्णता जो आया, उस इकाई का फिर एक सफ़र चालू हो जाता है कि अब ये जागृति क्रम में आ गया। अब इसको, इस क्रम को जब देखते हैं कि एक परमाणु का विकास से, विकास क्रम से विकास में गया और जागृति में, जागृति क्रम में आया, तो मान के चलिए देर सबेर जागृति क्रम से जागृति में जाना ही है, ये दिखा हमको इस जागृति। तो इस तरीके से जागृति एकमात्र विकल्प है। अब इसमें अस्तित्व, अस्तित्व में जब सभी इकाइयों को देखने गए तो सभी चीज़ व्यवस्थित रूप में है, सारा चीज़ व्यवस्थित है। केवल हम देखें कि मानव एक ऐसा इकाई है जो अव्यवस्था का शिकार है, और अज्ञान के कारण से है, वो भी जानकारी के अभाव के कारण से। और हमने क्या किया कि शरीर की जो इंद्रियगत जो चीज़ें हैं उसको प्राथमिकता देके उनमें अपने जो शरीर की जो संवेदनाएं हैं उनकी जो पूर्ति को ही हमने सुख माना, और इसके तहत हमारा सारा कार्यक्रम चलते रहा। तो जो रुचिमूलक है ना, तो उसके तहत हमने जो हमको अच्छा लगा, प्रिय हित जो भी लगा, ये सारे जो आहार है इन सब चीज़ को देखे, तो इनमें जो हमारा जैसे जैसे हम जिसको समृद्धि बोल रहे थे, धन आया, तो उसमें हम लोगों ने मात्र ये देखा कि लाभोन्माद, कामोन्माद, भोगोन्माद, इसी को अपन सुख मानते रहे। और एक उसके बाद भी लोगों को उसमें, लोगों को क्या, हमको तृप्ति नहीं मिला, समझ लीजिए कुल मिला के। तो तृप्ति हमको जब नहीं मिला तो हमको अब क्या चाहिए, निरंतर सुख चाहिए। इसमें पहले बार जब हमने सुना कि निरंतर सुख, तो हमको भी लगा कि अरे ऐसा कुछ हो सकता है क्या भाई जिसमें सुख की निरंतरता बन सके। और उसको हम जब तलाशने गए इस विद्या के माध्यम से, तो इसमें आता है पहला कदम जो है न्याय। यही वो पहला सीढ़ी है जिससे हम जो है मानवत्व की ओर जा सकते हैं। तो न्याय को जब पहचानने गए तो उसमें आया संबंधों की पहचान एवं आचरण पूर्णता और उभय तृप्ति, ये बिंदु निकल के आया। तो संबंध है हमारे, सात तरह के संबंध है, इसी में हमको जीना है। तो इस तरीके से जब हम कार्य व्यवहार करेंगे उसी के साथ में समाज में रहेंगे, और प्रकृति के साथ में जब कार्य व्यवहार करेंगे और हम जब व्यवस्थित रहेंगे तो ये प्रकृति भी उन्नति की ओर जाएगा, समृद्धि की ओर जाएगा प्रकृति भी। और हम जो अपने कार्य व्यवहार से हम जो है उत्पादन और विनिमय, इस तरीके की जो बातें हैं दस्योपानी विधि में, और इस तरीके से जैसे हम अपने कार्य व्यवहार में करेंगे तो सुख की अनुभूति करेंगे। और एक तरीके से जब मेरे ही जैसे मान लिया मैं जागृत होता हूँ और मेरे जैसे कोई दूसरा आदमी जागृत हो जाता है, तो इस तरीके से ये सुख की निरंतरता एक परिवार में जैसे बन जाता है, तो ये जो है दूसरे परिवार में जाने का कॉन्सेप्ट, और इसको फैलाव के लिए इसको शिक्षा के माध्यम से आना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक आदमी मान लीजिए सुख हो भी गया और उसका फैलाव नहीं हुआ तो पता नहीं फिर ये कब मैंने हो पाएगा। तो ये शिक्षा के माध्यम ही मेरे को इसमें बहुत जो महत्वपूर्ण जो बिंदु लगता है वो है एक शिक्षा, कि शिक्षा का सिलेबस में मानवतापूर्ण आचरण को आना, और ये जितना जल्दी आ सकेगा उतने ही जल्दी हम लोग जागृति के क्रम में जा पाएंगे, क्योंकि पूरा समुदाय का समुदाय एक साथ इसमें आ जाएगा। और इस तरीके से जो जागृति का जो पथ है वो हम लोगों के लिए सरल हो जाएगा और परिवार में सुख शांति हो जाएगा। उसी के लिए जो उसका जो विषय है, जो मेन जो शिक्षा का, वो है जीव चेतना से मानव चेतना में कैसे चले जाए, उसके लिए पूरा शिक्षा पद्धति में आना है। और उस विषय को आने में कैसे कैसे सहयोग किया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, उसके लिए मूलभूत संरचना के लिए कमेटी टाइप का रहेगा, चाहे स्कूल संस्थान में भी रहेगा और मानवीय परंपरा में भी। एक जैसे समृद्धि के लिए जो उत्पादन वगैरह रहेगा उसका विनिमय किस तरीके का होगा, उसके बाद में ऊपर में फिर एक लेवल रहेगा, और इस तरीके से सारा विश्व व्यवस्था तक का है इसमें। तो
ये मेरे को दिखा और इसमें हम कितना सहभागिता कर पाते हैं और कितना हम जो है अब इसमें तो बता दिए हैं बाबा जी की और भैया जी भी बताए हैं अभी कि जितना हमारा तीव्र उत्कंठा होगा जागृति तो बिल्कुल एक माने मान लीजिए जैसे कोई आदमी नशा करता है और एक बार नशा को चढ़ गया उसको तो फिर वो बार बार नशा करने का इच्छुक रहता है। इसी तरीके से यदि हमारे ऊपर ये जागृति का नशा चढ़ गया ना तो कोई नहीं रोक पाएगा कि हम नशा में ही दिन रात रहेंगे। धन्यवाद भैया। आप सभी को मेरा नमस्कार। परिचय शिविर और अध्ययन बिंदु के बाद जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी भैया जी ने बहुत अच्छे से अभी क्लियर की हैं और आगे भी पठन के बाद और होंगी। अभी हमने जो पढ़ा उस पर ध्यान देती हूँ। विकल्प हमने पढ़ा, जैसे भैया जी ने बताया जागृति ही एकमात्र विकल्प है, विकल्प के माध्यम से ही जागृत होना है आगे। उसके बाद मध्यस्थ दर्शन को हमने पढ़ा जिसमें आदर्शवाद और भौतिकवाद के बारे में हमने अध्ययन किया। फिर अस्तित्व के बारे में हमने जाना जिसमें कि दो पक्ष रखे, उसमें एक इकाई है और एक व्यापक है, जिसमें हमने जाना कि व्यापक में सब कुछ डूबा भीगा और घिरा हुआ है। इकाइयों को भी दो पक्षों में जाना हमने, इसमें जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति के बारे में जो कि गठनपूर्ण परमाणु है, और आगे विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन हमने किया पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था के रूप में। उसके बाद सह अस्तित्व को विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए हमने जाना जागृति विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति के रूप में। फिर जीवन ज्ञान के बारे में अध्ययन करते हुए हमने साढ़े चार क्रियाओं में किस तरह से मानव अपना वो करता है, जिसमें मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा के बारे में जानते हुए हमने 10 क्रियाओं का अध्ययन किया। फिर मानवीयतापूर्ण आचरण करते हुए आगे मानव कैसे देव मानव से दिव्य मानव में जागृत होते हुए दिव्य मानव तक जाएगा, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के बारे में भैया जी ने बताया, जिसमें कि 10 सोपानी व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा, कैसे एक परिवार में 10 सदस्यों में से एक सदस्य अगर जागृत होता है तो आगे वही परिवार 1 से 10 परिवार 10 से 100 और 100 से 1000 के रूप में विस्तार पूर्वक कैसे हम यहाँ से लेकर पूरे विश्व तक एक 10 करोड़ परिवारों तक जागृति हम किस तरह से लाएंगे, इसका एक भैया जी ने वो तैयार करके बताया। उसमें भी काफ़ी कुछ अच्छे से समझ में आया। ऑल ओवर इसका ये मैंने जाना कि जो भी जागृति के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका विस्तार आगे शिक्षा के ही माध्यम से होगा। तो जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन का एकमात्र उपाय शिक्षा ही है, जो और शिक्षा के माध्यम से ही चेतना सब में आएगी। और शिक्षा का जो ये मैं भैया जी ने बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी बाबा जी ने बनाया जो भैया जी ने बताया बहुत प्रेरणादायक है। इससे मुझे एक बहुत अच्छा वो आया भैया जी कि मैं डेफिनेटली ये कंप्लीट करने के बाद एजुकेशन के फील्ड में ज़रूर जाऊंगी। मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाने में, बट इसको पढ़ने के बाद अब लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी को ये बताना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार भैया जी। नमस्कार भैया, नमस्कार सभी को। तो अध्ययन बिंदु एवं विकल्प के जो पुस्तक है उसके पठन के अंतिम दिवस पे हैं आज, और आगे जो भी 6 माही अध्ययन होना है उसके एक सिलेबस के रूप में हमने इस पुस्तक को जाना कि इसमें सारे जो भी पॉइंट्स हैं जितने भी बिंदु आए वो एक मोटा मोटी हमको उसका शब्द और उनके अर्थ भी भैया ने काफ़ी अच्छे से स्पष्ट कराए, बट चूँकि पूरा ही हमको अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान और परिवार मूलक से लेके शिक्षा तक के सारी बातें इस 10 दिनों में हुई तो मोटा मोटी हम शब्द से परिचित हो पाए, और एक साथ तो सारा चीज़ जाएगा नहीं, तो
लेकिन आगे चल के इसमें एक रुचि हमारी बिल्कुल बनी है कि इसको हमें पूरी अच्छी तरीके से जानना है। तो ये इस 10 दिन की सफलता कहूँगा मैं कि हमें क्या क्या जानना है ये हम अच्छे से देख पाए इन 10 दिनों में। और व्यक्तिगत रूप से कहूँ कि मुझे इन 10 दिनों में क्या मिला, तो भैया ने जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए वो मेरे लिए काफ़ी अच्छे रहे। ख़ास तौर पे जीवन क्रिया में मुझे रुचि मूलक जो हम जी रहे हैं, मतलब प्रिय हित लाभ को भी हम पूरी तरह से अभी नहीं जी पा रहे हैं। हमारी इतनी भी योग्यता नहीं है कि हम प्रिय हित लाभ को भी ठीक से जी पाएँ। तो प्रिय में ही अधिकतर हमारा जीना हो पा रहा है, ये जान के मतलब अपने आप को देख पाए अपनी स्थिति क्या है। तो अब न्याय धर्म सत्य में शिफ्ट होना है, मतलब विकल्प जो पुस्तक है उसका टोटल जो सार है या इस पूरे पठन का, इस अध्ययन का, इस दर्शन का सार है कि हमको जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन होना है। तो उसके लिए सारा कार्यक्रम है। तो उसमें भैया जी ने जैसे कल के एक शेयरिंग में अपने बताया कि अभी हम कुछ जाने रहते हैं, मतलब माने रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में, और उसी के आधार पे उतनी समझ के अनुसार हमारा जीना हो पाता है, सोचना हो पाता है। उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाते, ना सोच पाते हैं ना जी पाते हैं। तो टोटल भैया ने 25 साल उसमें लगाए हैं दर्शन में, और बाबा जी के साथ काफ़ी समय बिताया। तो उसमें उन्हें पहले से उनकी शिफ्टिंग अभी ये हुई है कि अंततः हमको समझना ही हमारा जीना है एक प्रकार से। इस दर्शन को अगर हम ठीक से भली भांति इसको पहचान पाएँ, इस दर्शन का अध्ययन कर पाएँ, बेसिकली अभी हमारा जीना यही है, और आगे फिर अभ्यास और जागृति की यात्रा है। उसके अलावा आज भैया ने जो एक बात रखी कि आपकी स्वीकृति ही मुख्य मुद्दा है, कि आप कैसे कितनी जल्दी स्वीकृत हो पाते हैं, आपकी प्राथमिकता बनती है उतनी ही जल्दी आप इसमें अपनी जीवन क्रिया को, पूरे 10 क्रिया को एक्टिव कर पाएंगे। तो ये बात एक बहुत मतलब सुकून देने वाली है, मतलब एक दिशा देने वाली है कि हमको करना क्या है। आखिर हमको इस पूरे 6 महीने में एक एक बिंदु पे, एक एक शब्दों पे, और मतलब सारे इसके जो गूढ़ इसमें दर्शन में क्या कहा जा रहा है, इसका अगर हम ठीक ठीक से अध्ययन कर लें तो स्वीकृति बनने में काफ़ी मतलब हम करीब जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। और निश्चित रूप से अभ्युदय संस्थान और बाकी सारे प्रबोधक, चंद्रशेखर भैया, हमारी किचन, सभी लोगों का बहुत बढ़िया मतलब एक अनुकूलता हमको प्रदान कर रहे हैं। और इसके अलावा तो मैं नहीं देखता कि और कहीं अभी धरती पे ऐसा कोई हमें अनुकूलता मिले कि सब लोग हमको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इन सभी का धन्यवाद जी। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। वैसे शब्दों का मैं ज़्यादा प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि भैया जी ने काफ़ी 10 दिनों में कितने शब्द यूज़ किए, समझाए, वो काफ़ी पहुँच गए हैं। सिर्फ उन्होंने एक बात बार बार कही कि ये एक फ्रेमवर्क है ना, फ्रेम यानी टोटल फ्रेम है कि हम जो अध्ययन करेंगे उसमें क्या क्या हमको पढ़ाया जाएगा, अध्ययन बिंदु, बिंदु यानी उसमें क्या क्या होगा। तो जब एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है तो एक आइडिया, एक प्लानिंग होती है, जैसा एक रोड मैप जिसको हम कहते हैं। तो मैं यही देख रहा था कि यहाँ पे मैं कुछ कमी ढूंढूं कि जब फ्रेमवर्क पूरा हो जाए, तो इसमें एक चीज़ ये पता चली शुरुआत से के अंत तक, यानी बेसिकली बाबा जी ने कॉन्स्टिट्यूशन तक पूरा का पूरा किया है ना, एंड में स्टार्टिंग जीरो से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स विश्व परिवार सभा, अखंडित धरती, अखंडित राष्ट्र,
यहाँ तक कि उन्होंने व्यवस्था लिखी गई है, यानी उनकी उतनी सोच होगी, यानी ये पूरा का पूरा दर्शन है एक तरह से, तो यानी ये पॉसिबिलिटी बनती है 100% की इट इज़ पॉसिबल। ठीक, और एक मैं ये कहूँगा कि ये तो रसगुल्ला है या लॉलीपॉप है, और लॉलीपॉप अगर इतना स्वादिष्ट है तो नेचुरली भोजन भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। बस अपना ये है कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, और सारा हम अब तक तो मानव समझते थे खुद को, लेकिन पता चला कि मानव तो बहुत ऊपर की चीज़ है, मानव से बहुत नीचे है, और यहाँ से ऊपर ऊपर उठना है मानवता की ओर, है ना। मानवत्व जिसको कहा है, सबसे अल्टीमेट गोल है मानवत्व, और सभी को मानवत्व तक पहुँचाना है। उसका दूसरा लक्ष्य ये है कि सब खुद अकेले ही नहीं, जितने लोगों को हो सके मानवत्व तक पहुँचाना है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि हम तो एक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे मगर बिना पेट्रोल के साथ, है ना। यानी बिना पेट्रोल, यानी पेट्रोल का ज्ञान है ना, जागृति। अब गाड़ी तो है, अब उसमें ज्ञान और जागृति डाल के स्पीड से निकलना पड़ेगा तो पहुँच पाएंगे, वरना कहीं के नहीं रहेंगे। ये तो यानी एक अधूरापन हमारे अंदर छोड़ा गया है। और सार्वभौम व्यवस्था वगैरह ये सब तो सभी लोग जानते हैं, शब्दों का मायाजाल है। मायाजाल है, शब्दों में तो सभी लोग खेल लेते हैं, तो मैं शब्दों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करूँगा। और इस व्यवस्था को सबसे बड़ी बात, मैं इस शुक्रिया चाहता हूँ कि एक व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, और मैं इस व्यवस्था का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और खासकर संकेत भैया का, जो उन्होंने अपने तरीके से, प्यार से, जैसा भी हो, बड़े अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है और वो हम तक पहुँची है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। भैया आपने मतलब व्यक्तिवाद पे ना कहते हुए दर्शन पे बात करने को कहा था, तो मैंने नहीं बोला, लेकिन अब जैसा आप बोलते हो कि शब्द तो बनते नहीं हैं, लेकिन भाव अभी आए नहीं हैं अंदर में, तो संस्थान और आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं हम लोगों की। आगे आपने बढ़ाने के लिए जो ताकत लगा रखी है, कोशिश है हम लोग की कि उस ताकत का परिणाम सही सही निकले।